आज के लेसन में हम लोग जानेंगे टूरिज्म एंड हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 8 है। एसएससी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। टूरिज्म एंड हिस्ट्री, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे टूरिज्म इन द पास्ट, कि पास्ट में लोग कैसे टूरिस्ट लोग आते थे, कैसे टूरिस्ट लोग जाते थे अतीत में, कैसे लोग क्या पर्पज से जाते थे, सारी चीज़ें देखेंगे। टाइप ऑफ टूरिज्म के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म के किस तरीके से टूरिज्म का विकास होता है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि टूरिज्म क्या होता है। टूरिज्म का ना सिंपल मीनिंग यही है कि टूरिज्म इज अ एक्टिविटी ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेस आउटसाइड देयर यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर लेजर, बिजनेस और अदर पर्पस फॉर नॉट मोर दैन कंसेक्यूटिव ईयर। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो रहते नहीं थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही वो आते थे, कुछ टाइम के लिए वो घूमने के पर्पस से, अपना जो उनका पर्पस था उस पर्पस से आते थे और घूमते थे, ठीक है, तो उसे हम टूरिज्म बोलते हैं। अब आपको टूरिज्म का मीनिंग पता चल गया, तो क्या आपको पता है कि हिस्ट्री में भी लोग ऐसे घूमने के लिए आते थे, कहीं पे भी घूमने जाने का? तो जी हाँ, टूरिज्म इन पास्ट में जो ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग की बात किया जाए, ओल्ड की पुराने ज़माने की टाइम की बात की जाए, तो बहुत सारे जैसे पिलग्रिम्स हो गए, जो यात्रा में जाते ना, तीर्थ यात्रा वाले, और वो लोग जाते थे देन फेस्टिवल के सर्च में, या फिर कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा एजुकेशन लेने के पर्पस से, कोई बिजनेस के पर्पस से, ऐसे बहुत सारे, ऐसे पुराने ज़माने में, एंशेंट टाइम में बहुत सारे लोग जाते थे, तो उन्हें हम टूरिज़म बोलते, बिकॉज वो जाते थे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, ऐसे कुछ रीजंस की वजह से वो वहाँ जाते थे, घूमते थे, ठीक है, तो उन्हें हम टूरिज़म बोलते हैं। जो लोग घूमने जाते हैं वो टूरिस्ट हो गए, ठीक है, तो ये टूरिज़म। अब आपको टूरिज़म का मीनिंग पता चल गया है कि टूरिज़म एग्जैक्टली में क्या होता है। क्या आप जानते हो कि डू यू नो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर्स है, जो बुद्धा लोग रहते थे, गौतम बुद्ध हो गए जैसे, कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ में गए और वहाँ पे जाके मॉन्क बन के वो हर जगह गए, अलग अलग सिटीज़ में गए, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया था। जैन साधु आल्सो यूज ट्रैवल कॉन्सेंट्री, बहुत सारे जैन हो गए, साधु हो गए, तो वो सभी लोग जाते थे अलग अलग जगह में एजुकेशन देने के पर्पस से, नॉलेज देने के पर्पस से, तो बहुत सारी सिटीज़ में से घूमते थे, तो पुराने टाइम पे भी लोग घूमते थे। युआन श्वांग जो चाइनीस मॉन्क है, वो ट्रैवल करके इंडिया में आए थे 1630 में। कौन? युआन श्वांग। तो आप देख रहे हैं, युआन श्वांग जो हैं ये ट्रैवलर थे, और जो कि आए थे हमारे इंडिया में, ये चाइना के थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है आपको, आपको यहाँ पे बोला गया है ना कि जो चाइनीस मॉन्ग थे, तो यही थे जो कि 1630 CE में अपने इंडिया में आए थे। मेडिवल पीरियड संत नामदेव, संत एकनाथ गुरु, फिर रामदास स्वामी, ये सभी लोगों ने पूरे कंट्री में, अपने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, और पूरे इंडिया में ट्रैवल करके इन्होंने अपना ज्ञान नॉलेज दिया, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो बेंजामिन को? बेंजामिन कौन थे? ये थे बेंजामिन, ये पहले यूरोपियन ट्रैवल थे, ये फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवल थे जिन्होंने डिस्कवर किया, तो और ही वॉज, ये स्पेन में पैदा हुए थे, और इनका जो ड्यूरिंग द पीरियड था उनका ट्रैवलिंग का, 1159 से लेकर 1173 था CE, और उन्होंने ट्रैवल किया फ्रांस जर्मनी में उन्होंने ट्रैवल किया, फिर इटली में भी गए, ग्रीस में, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना, इन सभी जगहों में इन्होंने ट्रैवल किया था, और मेंटेन उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई थी जिसमें कि वो बता रहे थे, लिख रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ गया, और वो उस कंट्री के बारे में जहाँ जहाँ भी ये गए उसके बारे में लिखते थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटरी हो जाती है। फिर आप क्या जानते हो मार्को पोलो? मार्को पोलो कौन थे?
मार्को पोलो, ये भी इन्होंने भी ट्रैवल किया था। और तो ये इटालियन ट्रैवल थे, ये मार्को पोलो ये इटालियन ट्रैवलर थे। 13th सेंचुरी में ये इन्होंने इंडिया, जो एशिया है उसको इंट्रोड्यूस किया 13th सेंचुरी में, स्पेशली चाइना टू यूरोप। एंड ही स्टे इन चाइना, वो चाइना में 17 साल रहे और उन्होंने फ्लोरा और फौना, सोशल लाइफ, कल्चरल ट्रेड सिस्टम, एशिया के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो फ्लोरा फौना का मतलब कि यहाँ के एनिमल्स हो गए, यहाँ के प्लांट्स हो गए, लोग हो गए, उनकी सोशल लाइफ, उनका कल्चर, ट्रेड का सिस्टम क्या है एशिया का, ये सारी चीज़ें मार्को पोलो ने बताया। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता ये कौन थे? तो ये इब्न बतूता, ठीक है, तो ये भी इन्होंने, ये भी ट्रैवलर थे और ये भी आए थे। ये 14th सेंचुरी में वर्ल्ड वर्चुअल ट्रैवल के लिए आए थे इस्लामिक वर्ल्ड से, ठीक है। तो द ट्रैवलर ऑफ द 14th सेंचुरी टूक द वर्ल्ड ऑन वर्चुअल ट्रैवल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड विथ हिज ट्रैवल अकाउंट। उन्होंने अपने, जब वो, एक तो ये इस्लामिक थे और फिर ही वॉज ट्रैवलिंग, 30 साल तक इन्होंने ट्रैवलिंग किया। और ही हैड रिसॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट। सेम, एक बार जहाँ चले जाते थे तो वापस उस रास्ते में या फिर वापस उस जगह नहीं जाते थे। तो 30 साल तक इन्होंने ट्रैवलिंग किया। उन्होंने, हिज अकाउंट आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मेडिवल हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ। तो इन्होंने अपनी एक डायरी बनाई थी, तो इनके डायरी में मेडिवल और सोशल, मेडिवल हिस्ट्री और उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी, उन सारी चीज़ों के बारे में अकाउंट है, मतलब उस सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जो कि गेरार्डस मैरकार्टर थे। तो ये हैं गेरार्डस मैरकार्टर, जो आप लोग देख सकते हैं। 16th सेंचुरी वॉज अ कार्टोग्राफर, ये 16th सेंचुरी के कार्टोग्राफर थे, ठीक है। तो ये कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर का मीनिंग क्या होता है? तो देखो, कार्टोग्राफर का मीनिंग जो है ना, वो मतलब कि मैप बनाना, जो ये क्या करते थे, मैप बनाते थे, ठीक है। और तो ही इज़ अ नोन फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड मैप। इन्होंने ही वर्ल्ड मैप बनाया, पूरे अर्थ का, ग्लोबल अर्थ का बनाया उन्होंने। एंड हिज वर्क प्रूव टू वेरी यूजफुल नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया जो कि यूज़फुल होता है, नेविगेशंस के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो हमने जानी ग्रेगार्डस मैरकार्टर के बारे में। अब बात करते हैं नोटवर्थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री। तो टूरिज्म हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग आए थे और ट्रैवल किए। He organized a trip by railway from Leicester to Lothbrok for about 600 people. ऐसे उन्होंने travel किया। Later he was successful in organizing a round trip of Europe. Europe के लिए फिर ये successful हुए। तो कौन भाई, ये कौन है? तो थॉमस कुक हैं और ये successful हुए हैं। थॉमस कुक की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो थॉमस कुक हैं, ये नॉट वर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म हिस्ट्री में है, बिकॉज कि ही इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ट्रिप, जो कि रेलवे का ट्रिप था, जो लेंसेस्टर टू लाफ बोरो फॉर अबाउट 600 लोग थे जिसमें। तो थॉमस कुक थे ये। और साथ ही में यहाँ पे बोला गया इवेंचुअली इस्टेब्लिश ट्रैवल एजेंसी, इन्होंने ट्रैवल एजेंसी बनाई जिसमें कि टूरिस्ट लोगों को ये टिकट देने लगे। और अर्लियर वेंचर्स थॉमस कुक ओपन डूअर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न और मॉडर्न टूरिज्म के लिए इन्होंने जैसे टिकट का सिस्टम रखा, फिर लोगों को इन्होंने ट्रैवल एजेंसी का इस्टेब्लिश किया। तो ये थे थॉमस कुक। तो ये थे थॉमस कुक, जिन्होंने एजेंसी बनाई थी, ट्रैवलिंग एजेंसी बनाई। अब क्या जानते हो आप, डू यू नो द ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया एंशियंट टाइम। मतलब इधर से उधर जाना, कॉर्नर से कॉर्नर जाना, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि विष्णु भट्ट गोडसे, इन्होंने अपने अकाउंट में, अपनी जर्नी में, उन्होंने जब उन्होंने लिखा
तो महाराष्ट्र टू अयोध्या, बैक टू महाराष्ट्र, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। माझा प्रवास विष्णु भट्ट ने ट्रैवलिंग के टाइम पे उन्होंने ये लिखा था। इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 के टाइम पे उन्होंने लिखा था। एंड ही वॉज अ आई विटनेस फॉर मैनी इवेंट रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट एंड हिज अकाउंट आर फुल ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट वेरियस इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। उस टाइम पे जो जो इंसिडेंट्स हुए थे वो सारे में ये भी थे, ठीक है। तो स्पेशली अबाउट द लाइफ ऑफ जैसे कि लक्ष्मीबाई हो गई, क्वीन ऑफ झांसी, वी ऑल्सो गेट टू नो नेचर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ 18th century की मराठी लैंग्वेज का नेचर की बात करें तो। एंड दिस बुक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड की, ये एक सोर्स है कि उस हिस्ट्री टाइम की ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ टूरिज्म की, कि भाई टूरिज्म लोग घूमते थे तो टूरिज्म कितने टाइप का होता है। तो दिस डे टूरिज्म हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ लोकल इंटरस्टेट नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस में। देखो आज के ज़माने में तो टूरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज टूरिज्म से भाई पैसे आते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस भी दिए गए हैं इसकी, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, एंशिएंट सेंटर, हैंडीक्राफ्ट, पिलग्रिम्स के लोगों ने कैसे बनाए वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। टूरिज़्म को प्रमोट करना हर किसी का मकसद रहता है, जितनी भी कंट्री है वो सबका मकसद रहता है कि टूरिज़्म का प्रमोट करना कि पूरे वर्ल्ड से लोग आए हमारे यहाँ पे। तो नेचुरल और मैनमेड साइड जितनी भी चीज़ें की गई हैं तो उनको रखना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो शो कैप पीक हो गया, बीच हो गए, प्रिस्टाइन जंगल हो गया, विच वेवर नेगलेटेड प्रीवियसली बिकम इम्पॉर्टेंट, तो आज वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लोकेशन ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, मास मीडिया बिगन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस हाईलाइटिंग प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। तो मास मीडिया बहुत ही ये टूरिस्ट इंटरेस्ट को बहुत, जैसे कि देखो बहुत सारे आप लोगों के ब्लॉग देखते होंगे, तो बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं जिसमें कि वो लोग बताते हैं वो टूरिस्ट हैं और जाते हैं घूमते हैं। टूरिस्ट कैन बी ब्रॉडली टाइफाइड इंटू अ लोकल टूरिज्म इंटरेस्ट, इंटरस्टेट टूरिस्ट हो गया। देखो अब टूरिस्ट में बहुत सारे, जैसे कि हमारे खुद के कंट्री के टूरिस्ट हो गए जो कि अपने कंट्री के हैं, फिर इंटरनेशनल के हो गए टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट हो गए जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, रिलीजियस टूरिस्ट, हिस्टोरिकल टूरिस्ट जो कि पहले के टाइप के हिस्टोरिकल की चीज़ें जानने वाले वो टूरिस्ट हो गए, फिर हेल्थ टूरिस्ट हो गया, साइंस टूरिस्ट, साइंस टूरिज्म हो गया, फिर एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म आप समझ लो, ठीक है। तो लोकल, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, हेल्थ, साइंस, एग्रो, स्पोर्ट्स, ये सारे टूरिज्म, स्पेशल इवेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। तो टूरिस्ट में सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो टूरिज़्म ये ब्रॉडली टाइपफाइड है इन सभी बीचों में, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टूरिज़म्स हैं। लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉट ओवरवेलमिंग, बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूरिज़्म इज़ नॉट ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ अ विथ इन वन ओन कंट्री, खुद के कंट्री में के हैं ये, एंड इट डज़ नॉट कॉज डिफ़िकल्टी ऑफ लैंग्वेज। और इसलिए ऐसे टूरिज़्म में उनको लैंग्वेज की इशू नहीं होती बिकॉज उसी कंट्री के रहते हैं तो कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं। तो घूमना, करेंसी एंड डॉक्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पर मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस, जब हमको मन करता है तब जाके आते हैं क्योंकि अपनी कंट्री है। अब इंटरनेशनल टूरिज्म की बात किया जाए तो नाउ डेज इट हैज़ बिकम इजियर टू ट्रैवल, ये इजी हो गया है ट्रैवल करने के लिए, हम कहीं पे भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन, जैसे कि रेलवे हो गया, मेरिन्स हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट्स हो गए। तो मरीन ट्रांसपोर्ट हैज़ लिंक टू कोस्टल रीजन साइड के लिए, जैसे कि नाव से अगर आपको ट्रैवल करना है तो बहुत सारे सोर्स है आने जाने के लिए। तो अब इजी हो गया इंटरनेशनल टूरिज़्म, एंड पहले ज़माने में इतना इजी नहीं था। एंड देयर इज़ अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, एविएशन हैज़ बोट एंटायर वर्ल्ड क्लोजर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब कि भारत से बहुत सारे लोग जाते हैं,
ट्रैवलिंग करने के लिए। आप भी अगर इंटरेस्टेड है घूमने फिरने में तो आप भी बताइएगा कि आप बड़े होके कहाँ घूमना चाहते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग, जैसे कि कोई लोग तो स्टडी के पर्पस से ट्रैवल करता है, कोई रिलैक्स के पर्पस से, इंजॉय करने के पर्पस से, कोई साइट सीइंग की वहाँ का क्या नेचर है, किस तरीके से है, वो देखने के पर्पस से जाता है, कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट के पर्पस से जाता है, जैसे कि मीटिंग हो गई या फिर कोई एग्रीमेंट करना है, तो ये सारे, या कोई फिल्म बनाने के पर्पस से वहाँ चला जाता है, शूट करने के पर्पस से जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि हर कोई ना कोई पर्पस से इंटरनेशनल टूरिज्म में अलग अलग जगह जाते हैं। हिस्टोरिकल टूरिज्म की बात किया जाए तो दिस टाइप ऑफ टूरिज्म बहुत पॉपुलर होता है पूरा ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। टूर टू हिस्टोरिकल प्लेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई पीपल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में उनको इंटरेस्ट रहता है इसलिए वो लोग जाते हैं। और पूरा बहुत बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग कंट्री हमारे कंट्री में आते हैं, हम भी उनके कंट्री में जाते हैं, तो हिस्टोरिकल फेमस टूरिज्म है यहाँ पे। एंड इट कैन बी नोट दैट कॉन्टेस्ट गोपाल नीलकंठ धांडेकर, रिनो मराठी राइटर, यूज टू अरेंज हाइकिंग टूर टू फोर्ट इन महाराष्ट्र, जो हमारा लाल किला है, ठीक है, जितने भी किले हैं महाराष्ट्र में, तो बहुत सारे लोग आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम का, जैसे कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है, तो आप सभी को भी शुभकामनाएं, और हमें बहुत प्राउड है कि शिवाजी हमारे बीच में हैं आज भी। टूर आर ऑल्सो अरेंज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट, तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं भारत में, राजस्थान का फोर्ट हो गया, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं इनके ये आश्रम या फिर इनके सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था उसे भी देखने आते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म में क्या होता है, बहुत सारे लोग हिस्ट्री से बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा तो आप जाओगे देखोगे घूमोगे भाई ये चीज़ थी, तो हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया। वैली ऑफ फ्लावर आप देख रहे हो, ये यहाँ पे भी लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। यू वुड लाइक टू नो दिस, पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी आर डिस्पेयर ग्लोबली, हाउएवर दे फील यूनाइटेड बिकॉज ऑफ देयर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस, प्लेस एसोसिएटेड विद ट्रेडिशंस, एंड दिस क्रिएट डिजायर टू ट्रैवल। मतलब बहुत सारे लोग रिलीजियस वाले जिनको श्रद्धा रहती है भगवान में, तो अब भगवान तो जैसे बहुत सारी शक्तिपीठ है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे शक्तिपीठों में जाते हैं, फिर ज्योतिर्लिंग हो गए तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, तो इस तरीके से। तो चंद्रम चार धाम यात्रा हो गई, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, ये सारे रिलीजियस पर्पस से जाते हैं, ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड रखते हैं वो लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अहिल्या बाई होलकर जो हैं इन्होंने पर्सनल फंड इसमें इन्वेस्ट किया था नॉर्थ वे में, और क्योंकि वो चाहती थी कि लोग जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो तो उनको जाने का मौका मिले, जैसे चार धाम यात्रा हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग, तो इस पर उन्होंने इधर इन्वेस्ट किया था, इधर अपना पर्सनल फंड लगाया था, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं ज्योग्राफिक टूरिज्म की। तो ज्योग्राफिक टूरिज्म जो रहता है, दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व विजिटिंग प्लेस टू ऑब्जर्व स्पेशल ज्योग्राफिक फीचर ऑफ रीजन्स, कि बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफिकल टूरिज्म में, कि जो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं ज्योग्राफी के फीचर से रिलेटेड, तो इसलिए वो अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कि नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज की बात किया जाए, प्लेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर हो गया, ये देख रहे हो वैली ऑफ फ्लावर, कई लोग तो इसको देखने के लिए जाते हैं। तो फिर उत्तराखंड हो गया, देन उत्तराखंड में ये वैली ऑफ फ्लावर है, वेरियस बीच हो गए, बहुत सारे बीच होते हैं, ज्योग्राफिकल वंडर लाइक क्रैटर लेक हो गया, लोनार हो गया, और रंजन खाले हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कैविटीज वाले पत्थर होते हैं, रॉक होता है, फिर निकोज हो गया महाराष्ट्र में। तो मैनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हमने ज्योग्राफी में ये पढ़ा तो भाई ये कैसा होगा क्या होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे जाते थे, ठीक है, और जाते हैं आज भी, तो इसे हम ज्योग्राफिक टूरिज्म बोलते हैं। हेल्थ टूरिज्म क्या होता है, कि बहुत सारे लोग हेल्थ के पर्पज से जाते हैं, जैसे पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री फाइंड द हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटी इन इंडिया एंड कंपेरेटिवली चीपर येट ऑफ गुड स्टैंडर्ड। एंड देखो क्या होता है कि फॉर हमारी कंट्री में ना, एक तो आयुर्वेदा पहले से ही फेमस है, ठीक है,
और दूसरी चीज़ की आप लोग को जैसे पता होगा कि हाँ, हमारी कंट्री में ना दवाएं बहुत सस्ती मिलती हैं, तो जितने भी फॉरेनर होते हैं वो हेल्थ टूरिज्म मतलब हेल्थ की पर्पस से वो हमारी कंट्री में आते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक तो दवा का पैसा भी कम है, ऊपर से सर्विस भी बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी फॉरेनर है वो प्रीफर करते हैं हमारी कंट्री में आना, और मेडिकल फैसिलिटी उनको अच्छी मिलती है, हेल्थ सर्विस अच्छी मिलती है। तो इंडियन ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, इंडियन क्या है, हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, वेयर एम्पल सन, जो जहाँ पे कि सनलाइट भी रहती है ना, हर साल हमारे इधर उजाला रहता है, लेकिन कई ऐसे जहाँ पे रात है, 6 महीने रात 6 महीने दिन, कई जगह तो मौसम ही बराबर नहीं है, और हमारी कंट्री में तो सारे मौसम बराबर, हर ऋतु आती है, ठीक है, लाइट भी है, रात भी है, दिन भी है। तो यहाँ पे हमारा जो मौसम है ना, हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, तो ये जो टूरिस्ट लोग हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए बहुत सारे लोग ना इसे देखने के लिए आते हैं। फिर हमारे यहाँ पे योगा की ट्रेनिंग भी होती है, आयुर्वेदा भी है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग हमारे इंडिया में आते हैं देखने के पर्पज़ से। एग्रो टूरिज्म भी होता है, एग्रो टूरिज्म मतलब क्या, तो एग्रो टूरिज्म विच इज़ ऑल्सो नजर एग्री टूरिज्म भी इसको कहा जाता है, स्पेशली मेड फॉर अर्बन पॉपुलेशन विच हैज़ वेरी लिटल एक्सपोजर रूरल लाइफ एंड एग्रीकल्चर। नाउ इंडियन फार्मर आर ऑल्सो विजिटिंग फार वे प्लेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज लाइक इजराइल, वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरी आउट। देखो एग्रो टूरिज्म में क्या होता है, जैसे कि हमारे ही कंट्री के लोग जो किसान होते हैं, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं कि जो जाते हैं हमारी कंट्री से, जैसे कि इज़राइल में चले गए, फॉरेन में जाते हैं, इज़राइल में चले गए, वहाँ की खेती कैसी हो रही है, वो लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किस तरीके से खेती करते हैं, फिर हम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं, अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा लोग जो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से जाते हैं उन्हें एग्रो टूरिज़्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि है स्पोर्ट्स टूरिज़्म की। तो स्पोर्ट टूरिज़्म वॉज डेवलप इन 20th century में ये डेवलप हुआ था, एंड देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए, ओलंपिक हो गया, विंबलडन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, और वाइल देयर इवेंट लाइक हिमालयन कार रैली हो गई जो कि नेशनल लेवल में खेली जाती है, इवेंट लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशन हो गया, फिर ऑर्गेनाइज ऑन स्टेट लेवल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रैवलिंग टू अटेंड सच अ इवेंट कम अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म। जो लोग स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के पर्पस से इस कंट्री से उस कंट्री ऐसे जाते हैं खेलने के पर्पस से, उसे हम स्पोर्ट्स टूरिज्म कहते हैं। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, अभी देखो पीपल वॉन्ट टू ट्रैवल, लोग चाहते हैं ट्रैवल करना, एंड दे आर ऑफ्टन ऑन लुकआउट फॉर स्पेशल रीजन टू डू इट, और इसलिए इन द 21st century इट हैज़ बिकम कॉमन टू ऑर्गेनाइज सच अ इवेंट एंड विच ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट टूरिज्म, और ये भी एक पार्ट हो जाता है टूरिज्म को प्रमोट करने का। फिल्म फेस्टिवल, वेरियस टाइप ऑफ सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल इवेंट। कि एक स्पेशल इवेंट जब रखा जाता है तो तब लोग जाते हैं देखने के लिए। पीपल कीपिंग विजिटिंग सेवरल प्लेस टू अटेंड सच अ स्पेशल इवेंट, मैनी लिटरेचर एंथुसिएट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। तो इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशंस, तो ऐसे बहुत सारे, मतलब एक स्पेशल इवेंट के लिए भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड अपार्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ टूरिज्म मेंशन अबाउट, देयर आर अदर लाइक जैसे साइंस टूरिज्म, लेजर टूरिज्म एंड रिलैक्सेशन टूरिज्म, आल्सो नोन एज वेलनेस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड ग्रुप टूरिज्म। लेट अस फाइंड मोर अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। तो टीचर और इंटरनेट के थ्रू आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इतनी सारी चीज़ें जानी टूरिज्म के बारे में, अब थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं कि विकास इस टूरिज्म में और कितना विकास हम कर सकते हैं, कहां तक इसका विकास हुआ है। द क्रूशियल इश्यू इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल ट्रैवल, प्रॉपर सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर एंड ड्यूरिंग देयर स्टे डेस्टिनेशन प्लेस।
देखो जब विकास की बात करते हैं तो टूरिज्म के लिए बहुत सारे गाइडेंस दिए गए, बहुत सारे गाइडेंस में जैसे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, उनके एक्सपेक्ट एक्चुअल उनका ट्रैवल का पर्पस, फिर प्रॉपर सोशल कंडक्ट की क्या क्या टूर में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि क्लीननेस रखी जाए जहाँ पे जो टूरिस्ट लोग जाते हैं, विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी फैसिलिटी ऑफ टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट आता है जाता है उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र की जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी अच्छी सी फैसिलिटी देना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देना, सुविधाएँ देना, साथ ही में आपके जो भी वॉशरूम की फैसिलिटी है, फिर कचरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो टूरिस्ट प्लेस में होती हैं वो सारी चीज़ों को, खाने की फैसिलिटी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, ये एक डेवलपमेंट में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें का विकास करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो लोग घूमने फिरने आएंगे। अगर सब कुछ एक जैसे कि इधर ये केव्स में आए वो लोग और आसपास कहीं वॉशरूम नहीं है तो सुसु आ गए तो कहाँ जाएंगे, है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, तो ऐसे टूरिज्म में घूमना लोगों को पसंद है। और अगर आसपास कचरा होगा तो कोई स्मेल लेने थोड़ी आएगा, तो सारा क्लीन करवाना, फ्लावर्स थोड़ा रखना और अच्छा इनोवेट करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डेवलपमेंट कराने में। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट, कि टेक केयर करके रखना है हमें, उसका कलर ना निकले, और साथ ही में उसमें कोई गोदे उदे ना, कि जैसे देखो बहुत सारे लोग ऐसे जो बना रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये बनाए के उसमें, ठीक है, तो अभी स्क्वेज में जाके ये मूर्ति के ऊपर कुछ भी लिखो ऐसा थोड़ी चलेगा, तो इसको बचाना, इसका भी ध्यान देना कि कोई ऐसे टच ना करे, कोई हार्म ना करे इन चीज़ों को, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको प्रिजर्व करना। देन इट इज़ एसेंशियल फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड इंस्टेंट एग्जांपल, जैसे कि वंदालाइजिंग एंड डिफैक्टिंग हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड, एवरीबॉडी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटी लाइक राइटिंग ऑन वॉल, कार्विंग ऑन ट्रीज, क्योंकि पेड़ों के ऊपर भी बहुत सारे लोग लिख देते हैं ना, तो वो भी लिखना नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। लैक ऑफ गुड एमिनिटीज एंड प्रेजेंट हेरिटेज साइट कॉज ऑफ फिल्थनेस, तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला कि उधर गोदना नहीं है, उसमें वॉल में कुछ लिखना नहीं है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर टूरिस्ट दैट पैम्पलेट गाइड एंड हिस्ट्री की, उनको पैम्पलेट दिया जाए, गाइड दिया जाए, हिस्ट्री दिया और बुक दिया जाए, ताकि वो जो जिस प्लेस में वो गए हैं घूमने के लिए तो उनको और इंटरेस्ट आए, इसके बारे में वो लोग वहाँ पे पढ़ें, उस लैंग्वेज के बारे में जानें, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे भी जब डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये भी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड करना होता है। लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल वेरियस लैंग्वेज एंड इट वुड बी हेल्प इन द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर का होना भी बहुत जरूरी, जैसे कि इस केव के बाद एक रिवर है, तो अब वो लोगों को रिवर देखने जाने गए तो कहाँ कैसे जाए अगर कुछ नहीं लिया उन्होंने ट्रैवलिंग का, तो टैक्सी ड्राइवर अवेलेबल होना, तो वहाँ पे आसपास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना, ये सारी, और टूरिस्ट गाइडेड गाइडनर भी रखे जाते हैं जो कि बताते हैं, बिकॉज क्या फॉरेनर है उनको इंग्लिश के अलावा और क्या समझेगा, तो इंग्लिश भाषा बोलने वाला भी रहता है, तो टूरिस्ट में भी बहुत करियर है, बहुत सारे बनाते हैं। कासपतर आप देख रहे होंगे कितना सुंदर प्लेस है ना, एकदम मस्त। ये कहाँ है, तो ये जो है ये कहाँ है, ये वाला जो है कासपतर, ये आप इसको मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये थोड़ा जान लेते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन का सिंपल मीनिंग है कि आपको बचाना है, उसको काटना नहीं है, और अगर उस पर कलर डालना या फिर कुछ हार्म नहीं करना है, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी बनी बनाई हैं, और प्रिजर्वेशन मतलब बचा के रखना है, ठीक है, जो लोग देखते आते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है कि कोई गोदे नहीं, कोई कुछ लिखे नहीं वॉल में, ये सारी चीज़ें। अब कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज में हम देखते हैं कि
हार्ड टास्क इज टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको बचा के रखना, उनका ध्यान रखना, ये एक थोड़ा हार्ड टास्क हो जाता है, लेकिन ये करना होता है। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच विथ हिस्टोरिकल साइट डेटिंग टू एंशेंट मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, इट ऑल्सो ब्लेसिंग द एबंडेंस ऑफ नेचर्स। देखो हमारे पास ना भरपूर है, हमारे नेचर के पास, हमें नेचर के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, क्लाइमेट भी अच्छा है, साथ में हिस्टोरिकल चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी हुई, बहुत सारी देखो जैसे ताजमहल बना, फिर बहुत सारे किले बनाए गए थे, फोर्ट बनाए गए थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल की गई हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो हैं इंटरेस्ट रखते हैं आने में, तो उन सारी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना होता है ताकि टूरिस्ट की डिमांड और बढ़े और लोग हमारे पास आएँ। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नेशनल हेरिटेज, जितनी भी कंट्री है सबके कंट्री के जो हेरिटेज है डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज है, फिर कल्चरल हो गया, मैनमेड हेरिटेज हो गया, फिर देयर आर सम हेरिटेज साइट इन इंडिया विच आर नेचुरल, मतलब कि जो पहले से अवेलेबल है, ठीक है, और कल्चरल मतलब जो कि बनाई हुई हैं, हमारे द्वारा बनाया गया है लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हेरिटेज इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं, अब विच आर एक्यूमलेटेड ग्लोबली, ग्लोबली अगर देखा जाए तो जैसे ताजमहल हो गया जो कि आगरा में है, जंतर मंतर हो गया जो कि ऑब्जर्वेटरी जो कि जयपुर में है, साथ में रॉक कट केव हो गया जो कि अजंता में है, वेरूल हो गया जो कि घारापुरी में है, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस है जो कि महाराष्ट्र में है, कास प्लेटू है जो कि महाराष्ट्र में लोकेट है, वेस्टर्न घाट में है। तो ये सारे वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज हैं, क्या है, नेचुरल हेरिटेज है बिकॉज पहले से हैं, एंड देयर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विश टू विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर ऑफ विजिट द हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री, बहुत सारे फॉरेन लोग आते हैं और ये सारी चीज़ों को देखते हैं, वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें, वी गेट सी दैट पीपल हैव रिटन देयर नेम विद द चारकोल एंड ड्रॉन पिक्चर, वेंडलिजिंग हेरिटेज साइट, तो जो कि अफेक्ट करता है इमेज को, हमारे नेशन की इमेज को, इसलिए उन सारी चीज़ों से हमें प्रिजर्व करना होता है। तो प्रिजर्व करने के लिए आई शैल रिस्ट्रिक्ट टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ हेरिटेज साइट, कि कंटिन्यूस क्लीननेस होनी चाहिए, वहाँ पे गंदा नहीं करना चाहिए, क्लीननेस रहनी चाहिए, फिर आई शैल नॉट डू एनी थिंग विच विल रिजल्ट वेंडलाइजिंग ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। तो जब कोई एंटर करता है तो पहले उनको बोल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई गंदगी नहीं करनी है आपको, साथ में कुछ वॉल में लिखना नहीं है। अब लास्ट वाली जो हमारा लास्ट है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देखो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और टूरिज्म में क्या क्या करियर हम बना सकते हैं। देखो आजकल ना आफ्टर 10 आपको हमेशा हिस्ट्री में करियर की बात पहले बात बताई जाती है कि आप ये पढ़ रहे हो तो इसमें इस फील्ड में कैसे करियर बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, इफ मैनेज प्रोफेशनली, अगर आप अच्छे से इसको मैनेज करते हो तो मस्त इंडस्ट्री चल सकती है बहुत अच्छे से, और यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नॉलेज है किसी कल्चर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप उससे रिलेटेड, जैसे कि आप आगरा में रहते हो, ठीक है, आपको नॉलेज है वहाँ के बारे में पूरा, आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड भी पता है, ताजमहल कैसे बनाया गया वो सारी चीज़ें पता है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो कोई आप अच्छे आप गाइड करने वाले बन सकते हो कि जो टूरिस्ट होते हैं ना उनको गाइड करते हैं, तो वो आप बन सकते हो, ठीक है। अ गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ, हॉस्पिटैलिटी का मीनिंग होता है जैसे कि अब टूरिस्ट लोग हैं तो आप, जैसे मैंने बोला ना, उनको गाइड करना, उनका सत्कार करना, उनको बताना, ये सारी चीज़ें, तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गए, तो इसमें बहुत करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और जैसे कि इसमें आपको मनी भी मिलता है, रेवेन्यू भी बहुत कमाते हो आप, टूरिस्ट जो टूरिस्ट एयरपोर्ट से आते हैं जिस कंट्री में, तो फिर उनको भी रेवेन्यू का मिलता है बिकॉज कि उनको गाइड किया जाता है पूरा, एंड ही हैज़ टू पे फॉर हिज वीज़ा, बहुत सारे लोग तो वीज़ा भी देते हैं, एंड ही स्पेंड फॉर हिज ट्रैवल, स्टे इन होटल, अब होटल में रुकना, खाना खाना, तो उन सब का पेमेंट दिया जाता है। तो जो जो लोग ट्रांसलेटर एंड गाइडेंस देते हैं,
तो उनको बहुत बेनिफिट होता है इसमें, बहुत करियर है। बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक, सोवेनियर एक्स, दिस कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी दैट कंट्री। अब ये सारे लोग, जैसे कि वो लोग आए तो ये सही चीज़ें खरीदते हैं, ऑफकोर्स खरीदते हैं, बुक भी खरीदते हैं, तो आप उसमें करियर बना सकते हो, आप सेलर बन सकते हो, है ना। तो बेचने का काम हो गया, गाइड करने का काम हो गया, ये सारी चीज़ें। मार्केट इन द विसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट सेंटर, हैंस द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कोटेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिगेन टू डेवलप, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड आइटम एंड एथनिक हैंडीक्राफ्ट इंक्रीज। देखो, जिस एरिया में वो टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, उधर का खाने का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उधर का प्राइस भी हाई हो जाता है, बिकॉज कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो लोग खरीदते हैं, तो इनकम का सोर्स बहुत बनता है, ठीक है। बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर सबके लिए अच्छा हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, तो महाराष्ट्र के ही बारे में जानेंगे। तो जो टूरिज़्म है, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से टूरिज़्म में डेवलपमेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये जानते हैं। तो महाराष्ट्र इज स्टेट प्लेस विथ अ रिच हेरिटेज, बहुत ज़्यादा इधर हेरिटेज है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। द मच एडमायर रॉक कट केव, बिकॉज यहाँ पे रॉक कट केव है, ठीक है। पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर ऑफ अजंता है, वेरुल एंड घारापुरी है, पिलग्रिम सेंटर लाइक देहू, अलंदी, जेरूर, पंधरपुर हो गया, सिरडी हो गई, यहाँ हर जगह लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। शेंगाव हो गया, तुलजापुर हो गया, कोल्हापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हजी, मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड, माउंट मैरी चर्च इन मुंबई, फिर हिल स्टेशन जैसे कि महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावाला, माथेरान, चिकलदारा एक्सेट्रा डैम, इतने सारे डैम जैसे कि कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटा घाटी, चंदोली, ये सेंचुरी में जैसे कि धाजीपुर, सांगरेश्वर, तोडप्पा, ये इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स हैं महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप यहाँ पे घूमना ज़रूर, ठीक है। वर्ल्ड का तो बाद में ही सही, पहले अपने महाराष्ट्र का घूम लेना। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे, अभी इतनी सारी चीज़ें हैं तो इनकम भी भाई इधर से बहुत आता होगा, बहुत। द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज सेटअप 1975 में, इसको सेटअप किया गया था, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। और द कॉरपोरेशन प्रोवाइड फैसिलिटी टूरिस्ट होटल एट 47 प्लेसेस में होटल प्रोवाइड किए। इतने सारे लोग हैं तो रहने के लिए तो जाइए ना, तो 47 प्लेसेस में होटल्स हैं। दैन साथ ही में मोर देन 4,000 टूरिस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि गाइड करने वाले भी यहाँ पे बहुत हैं। एंड मैनी प्राइवेट एंटरप्रेनर आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विस टू टूरिस्ट। जो प्राइवेट एंटरप्रेनर होते हैं, जो प्राइवेट कंपनियाज होती हैं, वो लोग टूरिस्ट लोगों को फैसिलिटीज़ देती हैं। तो ये हमने महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम ये जानेंगे जो आपको दिया गया है, क्या आप जानते हो एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक, ये क्या चीज़ है। तो देखो, बिल्हार इज़ अ विलेज, ये गांव है नियर महाबलेश्वर के पास। तो विच बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी का बहुत अच्छा ब्यूटी वो दिखता है वहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विलेज ऑफ बुक, इसे विलेज ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है। एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर टूरिस्ट टू इंजॉय। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम विथ व्यू ऑफ एक्सेलरेट रीडिंग कल्चर मोमेंट फॉर द रीडर टूरिस्ट इंजॉय ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे पुराने नए ऑथर्स की, संतों की किताबें, फिर बायोग्राफी हो गई, उनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई, फिक्शंस, पोएट्री हो गई, लिटरेचर हो गई, वुमेन लिटरेचर, स्पोर्ट्स लिटरेचर, ऐसे बच्चों के, ऐसे बहुत सारी चीज़ किताबें रखी गई ताकि जो भी टूरिस्ट आता है, इंटरेस्टेड होता है बुक रीडिंग में, तो उसको देते हैं वो लोग, ठीक है, और उससे भी इनकम जनरेट होती है। इफ़ यू गो महाबलेश्वर मेक इट अ पॉइंट टू विजिट भिलार, तो अगर आप महाबलेश्वर गए हो तो भिलार विलेज में ज़रूर जाओ, वहाँ आप देखना, ठीक है।
तो यू वुड लाइक टू नो दिस, क्या कल्चर टूरिज्म इंक्लूड एक्टिविटी लाइक विजिटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, ट्राइंग टू गेट ग्लिम्पसे ऑफ लोकल कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, मॉन्यूमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें। क्या आप जानते हो महाबलेश्वर और पंचगामी, ये एक हिल स्टेशन है, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, हमेशा आते हैं, और दोज टूरिस्ट आर अकम्पनी बाय गाइड हु प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग इनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं, बहुत सारे लोग फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, और बहुत चलता है, हॉर्स कीपर भी हो जाते हैं जो हॉर्स प्रोवाइड करते हैं हॉर्स राइड के लिए, हॉर्स कार्ट के राइड के लिए। तो यहाँ पे महाबलेश्वर साइट में भी आप विजिट करके आओ। अब यहाँ पे जान लेते हैं हेरिटेज वॉक के बारे में। टू गो ऑन द टूर फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेस इज नोन हैज हेरिटेज वॉक। जब आप जाते हो हिस्टोरिकल प्लेस में विजिट करते हो तो उसको आप हेरिटेज वॉक भी कहते हैं। वन कैन एक्सपीरियंस थ्रिल ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग हेरिटेज वॉक। हेरिटेज वॉक एज अ ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी गेन पॉपुलरिटी मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज में इसकी पॉपुलरिटी है। हेरिटेज वॉक क्या होता है, तो जब आप जाते हो टूर में हिस्टोरिकल प्लेसेस में, उसे हेरिटेज वॉक भी कहते हैं। इंडिया हैज़ रिच हिस्ट्री, इंडिया की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत है, तो बहुत सारे लोग इस पर्पस से, देखने के पर्पस से आते हैं। तो अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हेरिटेज वॉक के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके बारे में लिख रखा है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशंस थी। ब्लू प्लैक्यू क्या होता है, इट्स सम सिटीज ब्लू प्लैक्यू विथ नेम एंड अदर रिलेवेंट सच अ सिटीजन आर प्लेस देयर रेसिडेंस एंड पार्ट ऑफ हेरिटेज स्कीम। रेसिडेंस ऑफ रिनोवेड सिटीजन हु हैव पास अवे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट। देखो हेरिटेज के उस प्लेस में जो भी लोग रहते होंगे वो भी इसमें पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी, और तो हमने ये लेसन को कम्प्लीट किया, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस किए। मज़ा आया ना, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, आप बड़े होके टूरिज़्म में भी ट्राई कर सकते हो अगर आपकी लैंग्वेज बहुत कमांड है और थोड़ा हिस्ट्री जानते हो तो। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। और देखो 10th स्टैंडर्ड में ना, आजकल हिस्ट्री बुक में ना आपको हिस्ट्री पढ़ने में और फिर उसका आप अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो बहुत ही कमाल की पढ़ाई हो रही है। 10th स्टैंडर्ड का जो ये पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा है, हमारे टाइम पे इतना नहीं था जितना आप लोगों को इतना अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।